So welcome everyone to the Didymi IAS, myself Mahima. So today we are discussing the prelims paper of 10th October 2021 and I'm discussing set B, answer key of geography and environment. So let's start with the first question. What is blue carbon? So blue word se hi, you come to know blue means ocean, right? So bina dekhe, first option hamare answer aa gaya. Carbon captured by oceans and coastal ecosystem. Simple. So you got the first answer. Now we come to the next question. In the nature, which of the followings are most likely to be found surviving on a surface without soil? So after seeing the options, we are seeing fern, lichen, moss and mushroom. So mushroom ko bhi hamare ko kya chahiye? Soil chahiye. Theek hai? Aur hamare मॉस को भी सॉइल चाहिए और हमारी फर्न को भी सॉइल चाहिए. सो एक लिचन ऐसी चीज है जो कहीं भी ग्रो हो सकती है विदाउट एनी सॉइल. सो डायरेक्टली सीइंग द ऑप्शन बी आंसर टू. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट. ये तो एक कहते हैं ना डायरेक्टली, आजकल हम सुनते रहते हैं कि मॉस्किटो टाइम आ गया है सो लेमन ग्रास घर पे लगाओ. सो बाय दिस क्वेश्चन डायरेक्टली एक अवेयरनेस है. आई टोल्ड यू इन माय वेबिनार्स आल्सो कि विद द अवेयरनेस यू कैन सॉल्व द ज्योग्राफी क्वेश्चन. नाउ सी दिस क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व विद द आंसर लेमन ग्रास. नाउ लेट्स कम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. नाउ वी हैव टू सी द ऑर्गेनिजम्स दैट इज कैपीपोड्स, साइनोबैक्टीरिया, diatoms and foraminifera. Which of the following are primary producers in the food chain of ocean? So सबसे पहले हम diatoms पे जाते हैं. Diatoms को देखते हैं, ये हमारे एक primary producer है ocean का. अगर आपको ये answer भी पता है so automatically three जहां है हमें पता है वो हमारा answer हो सकता है. One और C, A और D आपने automatically eliminate कर दिए. Now we have to find out what is cyanobacteria. अगर पता है primary food chain के अंदर cyanobacteria भी है, so you simply can give the answer B as your option. Now we come to the next question. So see directly मतलब आप कैसे elimination method से जल्दी जल्दी questions solve कर सकते हैं. सिर्फ basics हैं. They're not making the paper difficult. They want your the basic understanding of geography only. Now see the next question. Consider the following animals. It's a hedgehog, it's marmot, it's pangolin. To reduce the chance of being captured by predators, which of the above organisms rolls up, roll up and protects its vulnerable parts? ठीक है, तो अपने parts को वो कैसे protect करता है जो घूम जाने वाले animals हैं? So automatically hedgehog और pangolin है जो घूम जाते हैं. So directly you can see कि marmot is थोड़ा सा बड़ा है, उसको घूमने में थोड़ी दिक्कत होती है. So we can give the answer as 1 and 3, that is option D. Now we come to the next question. In reference to the New York Declaration on Forest, which of the following statements are correct? So देखो करंट अफेयर से आ गया ना. सो इट वॉज द फर्स्ट एंडोर्स्ड एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट इन 2014. इट एंडोर्सेस अ ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट. इट इज लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन. कभी कुछ लीगली बाइंडिंग नहीं है. सो दिस ऑप्शन कैन बी एलिमिनेटेड. तो जहां थ्री दिख रहा है वहां उसको डायरेक्टली काट दो. तो बी भी कट गया और सी भी कट गया. नाउ वी हैव टू प्ले विद ए एंड डी. ऑटोमेटिकली हमें पता ही है इसका जो सबमिट है इंडोर्स इन यूनाइटेड नेशंस 2014 में है. अगर किसी को ये नॉलेज हो तो वो ये ऑप्शन के साथ खेल सकता है. नाउ वी कम टू द फोर्थ. इट इज इंडोर्स बाय गवर्नमेंट्स, बिग कंपनीज, इंडिजिनियस कंपनीज एंड इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेटरीज आर इट्स इंसेप्शन. सो वो कभी नहीं था. अगर ये भी आपको पता हो सो यू कैन गिव द आंसर 1, 2 and 4. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैग्नेटाइट पार्टिकल सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरो डेजनेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग. बार बार देख रहे हैं, बार बार क्लाइमेट चेंज के ऊपर देखो क्वेश्चन बने आ ही रहा है. हर साल देख रहे हैं हम कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के ऊपर. नाउ सी विच आर द एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स. ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल्स ऑब्वियसली, इंजिन ऑफ मोटर व्हीकल्स, माइक्रोवेव स्टोव्स विद इन होम्स ऑल्सो, वी हैव पावर प्लांट्स, टेलीफोन लाइन्स. सो ये सारे ऑप्शन इंक्लूड हो रहे हैं. सो डी इज योर आंसर इन दिस क्वेश्चन. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर. अगर हमें फिल्टर फीडर के बारे में पता हो सो बाय दिस वर्ड ओनली एज अ जो इकोनॉमिक आपके इन्वायरमेंट में काफी यूज होता है सो यू कैन गो फॉर द आंसर इज एन ऑयस्टर फॉर दिस फिल्टर फीडर.
Okay, catchfish, octopus, and pelican, they are not filter feeders. Now we come to the next. In case of which one of the following biogeochemical cycles, the weathering of rocks in the main source is the main source of release of nutrients to enter the cycle. So हम आपको बताएं हमारे यहाँ पे mainly cycles है carbon cycle, nitrogen cycle, phosphorus cycle and sulfur cycles और भी. So अगर ये cycle आपको properly याद होती तो आप automatically एक word से weathering rocks में क्या use हो रहा है? Definitely the answer is phosphorus cycle. So direct questions देखो इस बारी UPSC is playing with direct questions also. It's an interesting paper this time. It's not too difficult. Some questions obviously can be difficult but अगर आप awareness बार बार बोल रहे हो awareness, seeing the current affairs, making your basics clear. You are able to solve this paper. Now let's come for the next one. Which of the following are detritivores? So detritivores, आपको पता होना चाहिए dead से जैसा तो dead animals को जो खा रहा है. So earthworm को देखते ही मुझे पता चल गया earthworm है. जहां earthworm का option नहीं है वो eliminate कर सकते हो. आप B option को automatically eliminate कर सकते हो. Right? Now we come to उसके बाद हम देखते हैं जेलीफिश के ऊपर और मेलिमर्ट्स. अगर आपको खेलना हो तो जेलीफिश भी कोई डेट्राइड एनिमल नहीं है. सी और डेट्राइड एनिमल और सी जो हॉर्सेस है ये भी बहुत है. सी हॉर्स कभी डेड एनिमल्स नहीं खाता, वो लाइव एनिमल्स खाता. अगर आपको इतनी भी नॉलेज होती तो ये वाला क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली सॉल्व हो सकता. वी कैन गो फॉर द ऑप्शन 1, 3, and 5. जेलीफिश और सी हॉर्सेस नहीं है इसमें. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्टेड बाय यूएनएपी हैज बीन डेवलप्ड. देखो अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया. सो डायरेक्टली यू शुड नो अबाउट इट. असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड, दिस इज एन ऑप्शन. सो देखो मैंने आपको बार बार बोला ज्योग्राफी में न्यूज की कितनी इंपॉर्टेंस है. न्यूज़पेपर से क्वेश्चंस कितने आ रहे, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी वो उठा लेते हैं. अब यूएनईपी पे कितने ज्यादा रोज कुछ ना कुछ आर्टिकल हमें सुनने को मिलते थे. अब देखो उन्होंने एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीशीज दैट कैन एस्टैब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म. सो बहुत ये तो डायरेक्टली आपका क्वेश्चन है. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कौन? सिंड्रानियंस भी करते हैं, फंगाई भी करते हैं एंड प्रोटोजोआ भी करते हैं. सो ऑटोमेटिकली यू गेट द ऑप्शन डी. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The vegetation of savanna consists of grassland with scattered small trees. So, एक छोटे-छोटे trees से savanna grassland. So, अगर आपको savanna grassland की basic features ही पता होते, तो आप ये question solve कर सकते थे. देखते हैं, but extensive area has no trees. The forest development in such areas is generally kept in check by one or more or a combination of some conditions. Which of the following are such conditions? जिससे आपसे answer हो. देखो बोरोइंग एनिमल्स और डोरमाइट्स कभी नहीं होंगे, वो हमेशा जमीन को धसा देते हैं. सो जहां ऑप्शन वन आ रहा है आप उसको एलिमिनेट कर सकते थे. सो ए और डी आपको ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो चुका है. अब आपको सीरियसली एक फायर भी पता होता ना कि जब भी कोई ग्रास को क्लीन करने के लिए हमें फायर आग लगानी पड़ती है, जिस तरह से आपको पता स्टब एंड बर्निंग पे कितना इश्यूज हमारे हम लोग सुनते रहते हैं. सो बाय दिस सीइंग इट अप डायरेक्टली यू कैन कम टू द आंसर एज 2, 3, and 4. Now we come to the next one. With reference to the water on the planet Earth, consider the following statement. So यहाँ थोड़ा सा आपको कहते हैं ना factual पता होना पड़ेगा that the amount of water in the rivers and lakes is more than the amount of groundwater. Your amount of water in polar ice caps and glaciers is more. बार बार फिर देखो global warming हम सुनते ही आ रहे हैं कि हमारी polar ice caps are what you call melting it up, that's why the water itna grow itna zyada ho raha hai. So by seeing this thing also we come to the option as B. So ye aapka answer ho gaya. Now we come to the next question. Consider the following statements. Moriranga drumstick tree is a leguminous evergreen tree. Yes, it's a leguminous evergreen tree. First answer hamara theek hai. Tamarind tree is endemic to South Asia? No. इसके अगर आपको थोड़ी सी भी वो features पता होते तो ये eliminate आराम से हो सकता था. So जहां जहां option 2 है वो automatically eliminate हो जाएंगे. So option A आपका eliminate हो चुका है, option D आपका eliminate हो चुका है. So now we come to 1, 3. Third पे देखते हैं. In India, most of the tamarind is collected as minor forest produce. Right? इतना ज्यादा नहीं है हमारी country में. So third option भी हमारा ठीक हो सकता है. And India exports tamarind and seeds of marijuana. Okay, ये थोड़ा सा हो सकता है. Next देखते हैं. Seeds of marijuana and tamarind can be used in the production of biofuels? No. यहाँ अगर fifth भी आप खेल लेते, fifth option के बारे में टी होता तो आप इसको थोड़ा सा है tricky, but अगर होता तो आप ये solve कर सकते थे. So इसका answer 1, 3, and 4 है. Now we come to the next one. Black cotton soil. देखो cotton के ऊपर अभी तक सुनते ही आ रहे बार बार news में
कि कॉटन में क्या क्या हो रहा है, किस वजह से. अब आपने इस टाइम इतनी सारे कॉटन इंडस्ट्रीज को भी देखा. सो यहाँ से उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन बना दिया कि ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ व्हाट, इट्स डायरेक्टली बी फिक्स्चर वोल्केनिक रॉक. डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुका है ये आपका. नाउ वी सी द नेक्स्ट वन. बॉलगार्ड वन एंड बॉलगार्ड टू टेक्नोलॉजीज आर मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, कितनी बार जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर आर्टिकल्स आ चुके हैं. बॉलगार्ड वन बॉलगार्ड टू वो एक्सप्लेन ही करते रहते हैं. डायरेक्टली क्वेश्चन देखो यहाँ पे, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आंसर है इसका. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन. कंसिडर द फॉलोइंग बैक्टीरिया फंगाई और वायरस, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम. कभी भी वायरस आर्टिफिशियल सिंथेटिक में नहीं यूज होता. डायरेक्टली क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन लगा. वन एंड टू इसका ऑप्शन का आंसर सही है. सो ए इज योर आंसर. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट. हाउ इज परमा कल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेक्शनल केमिकल फार्मिंग, करंट का बेस का क्वेश्चन है. इसमें आपको पता होना चाहिए था कि परमा कल्चर क्या होती है. परमा कल्चर फार्मिंग अगर किसी ने पढ़ा हो ढंग से, सो ये क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली बहुत आराम से सॉल्व कर सकते थे. परमा कल्चर फार्मिंग डिस्करेजेस मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, बट इन कन्वेक्शनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस आर प्रीडोमिनेंट. सो परमाकल्चर मेनली मीन सस्टेनेबल फार्मिंग टाइप. सो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, यस इट्स करेक्ट. सो सी और डी ऑटोमेटिकली आपका वो हो चुका है. अब हमें देखना है कि यहाँ पे टू थ्री और फोर के अंदर. सो नाउ कम टू द सेकेंड वन. हम देखते हैं कि कन्वेक्शनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी, बट द अकरेंस ऑफ सच फिनोमेना इज नॉट ऑब्जर्व इन परमाकल्चर फार्मिंग. यस दैट्स ट्रू. तभी तो हम कह रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें केमिकल फार्मिंग नहीं चाहिए. थर्ड ऑप्शन, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन, बट परमाकल्चर फार्मिंग इज नॉट सो इजली पॉसिबल इन सच रीजन. नो दैट इज नॉट ट्रू. ये स्टेटमेंट गलत हो गई. ये स्टेटमेंट गलत होते ही यू कम टू द ऑप्शन बी एज योर आंसर. And practice of mulching is very important in permaculture farming. Yes, but not necessary in the conventional chemical farming. Now we come to the next question. With reference to palm oil, consider the following statements. अब हम बार बार palm oil, palm oil के बारे में कितनी बार सुन रहे थे. Indonesia, हम यहाँ से लेते हैं, export हो रहा था, तभी हम लोग import करवा रहे थे, तभी उन्होंने import बंद कर दिया. तो देखो उस पर भी एक question बना दिया उन्होंने current affairs से related. तो palm oil tree is native to South Asia. मेरे को लग रहा है शायद नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं था. इट्स नॉट रिलेटेड टू पाम ऑयल. हमने हमेशा अफ्रीकन रीजन में सुने हैं, हमने यहाँ कभी एशियन रीजन में इतना नहीं सुना. तो इसलिए ये नेटिव की बात कर रहा है. ग्रो हो सकता है बट नेटिव इज नॉट फ्रॉम एशिया, इट्स फ्रॉम अफ्रीका. अगर किसी को ये भी पता होता कि पाम ऑयल कहाँ से होता है, ये क्वेश्चन आपका हो सकता था. सो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है. तो फर्स्ट ऑप्शन वाले तीन ऑप्शन कैंसिल होकर आपका टू एंड थ्री आंसर, बिना देखे आपका ये आंसर सॉल्व हो सकता था. मेरे को आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी. नेक्स्ट कम, विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग फोर रिवर्स, थ्री ऑफ देम पोर इनटू वन ऑफ देम विच जॉइंस द इंडस डायरेक्ट. अमंग द फॉलोइंग विच वन इज सच रिवर दैट जॉइन द इंडस डायरेक्ट. सो ये आपको बताना चाहिए. अगर आपने रिवर सिस्टम, रिवर पे तो क्वेश्चन आता ही आता है. सो इंडस रिवर सिस्टम पे ऑटोमेटिकली देयर आर मेनी क्वेश्चंस फ्रेमिंग इट अप. सो अगर आपको इंडस की सारी ट्रिब्यूटरीज पता होती है, फ्रॉम वेयर इट इज ग्रोइंग इट अप, कहां फ्लो करके जा रही है, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर डी था इसका, सतलुज. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट. विद रेफरेंस टू इंडिया, डिडवाना, कुछ गाना, सारगोल, काथू आर द नेम्स ऑफ, कभी सुना है ग्लेशियर्स के नाम. अगर थोड़ा सा भी हम अवेयरनेस के हिसाब से चले तो ग्लेशियर्स नहीं, मैंग्रोव्स, सुंदरबनी सोने सबसे ज्यादा, रामसर साइट्स भी ऐसा कुछ नहीं. अगर थोड़ा सा प्लेस थोड़ा सा डायरेक्ट कह सकते हैं फैक्चुअल था ये, सो सेलाइन लेक्स इज द आंसर ओवर हियर. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन. कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, ब्रह्मानी, नागावली, सुबर्णरेखा, संभद्रा. अगर ये आपको ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के रिवर, दो क्वेश्चन आ गए रिवर्स पे, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के रिवर प्रॉपरली याद होती कहां से फ्लो रहे, फ्रॉम विच स्टेट दे आर स्टार्टिंग, विच फ्लेयर दे आर गोइंग इट अप, विच स्टेट दे आर क्रॉसिंग, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसका आंसर वन एंड टू है, दैट इज ऑप्शन ए. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंस फॉर सी बेल्ट एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन द इंटरनेशनल वाटर्स. ओके, इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंसेस फॉर सी बेल्ट मिनरल एक्सप्लोरेशन इंटरनेशनल वाटर्स, या अभी रिसेंटली किया हम लोगों ने. एंड रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इंटरनेशनल वाटर्स. यस दैट्स टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू. अगर ये दो भी हमें पता होती, हमें सिर्फ वन पे जरूर कंफ्यूजन होते हो. देखो ये करंट पे क्वेश्चन आ रहा है, द ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंस फॉर सी बेल्ट एक्सप्लोरेशन. ये अगर आपको थोड़ा सा भी इस कमीशन के बारे में नॉलेज होती, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी, नो दे हैव नॉट गिवन इट अप.
Now we come to the next. Among the following, which one of the least water efficient crop? Obviously, sugar cane. ये तो direct question था. Sunflower को चाहिए, pearl millet को भी चाहिए और red gram को भी चाहिए. Next question. In the tropical zone, the western sections of the oceans are warmer than the eastern sections owing to the influence of trade winds. अगर आपको tropical zone के बारे में कुछ भी थोड़ा सा भी मेनली ट्रॉपिकल जोन तो खेलना ही है आपको पूरे जब वो पूरे रीजन देखने होते हैं. अगर यहाँ आपको ट्रॉपिकल जोन की नॉलेज होती तो ये पहला क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली सॉल्व होता है. यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट. एंड द टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन वार्मर देन द वेस्टर्न ओशन. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. यू गेट द आंसर एज ए. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट. इन द कंटेस्ट ऑफ इंडियाज प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कंसीडर द फॉलोइंग. अगेन करंट का क्वेश्चन. द क्लाइमेट स्मार्ट विलेज Approach in India is a part of project led by climate change, agriculture and food security and international research program. Yes, this option is correct. Project of CCAFS is carried out under consecutive group on international agriculture research headquarters in France. Okay, this is also statement correct. So the International Crops Research Institute, that is ICR, ISAT, in India is one of the CGIRS research center. तो थोड़ा सा आपको कहते हैं पूरा डिटेल में पता होना चाहिए था इसके बारे में तो ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. सो इसका आंसर 1, 2 and 3 है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं बनाया बट इन्होंने फीचर्स डाल दिए उस फॉरेस्ट के. सो देखो लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर Then in any other biomes, आपको biomes पूरे याद होने होंगे. biomes पे question बार बार आ रहे हैं. rivers पे question देखो कितना आ गया. global warming पे देखो कितना question आ गया. so and as a result, the soil surface is often almost bare. apart from trees, the vegetation is largely composed of plants form that reach up in the canopy vigorously by climbing the trees or growing as epiphytes rooted on the upper branches of trees. This is the most likely. So upper branches of trees, epiphyte wali jo hai, that is obviously the tropical rainforest. Now, last question. Bisphenol BPA, a kind of cause of concern, is a structural key component in the manufacture of which of the following kinds of plastic. So agar aap न्यूज़पेपर हेडलाइंस पढ़ रहे होंगे ये चीज बार बार बीपीए बहुत न्यूज में रिलीज हुई थी. एंड वी गॉट द आंसर एज पॉलीविनाइल क्लोराइड ओ सॉरी पॉली कार्बोनेट. सो देखा आपने कैसे दे आर लिंकिंग द ज्योग्राफी क्वेश्चंस रिगार्डिंग विद द हेल्प ऑफ करंट अफेयर्स आल्सो. दैट्स व्हाई इन माय क्लासेस आई से यू लिंक विद द न्यूज़पेपर रीड द न्यूज़पेपर प्रॉपर्ली. UPSC is framing the questions according to it. So I hope for the best ki we are able to clear up the cutoff and see you again in the main session. All the best again. Thank you for joining today. Mahima Pant from DIDEM IAS.